और चलिए उड़ीसा को रुक कर लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लड़ाई करके भ्रष्टाचार को हिंदुस्तान से हटाऊंगा। अब उनके भाषण देखिए, देखा आपने उनका भाषण? एक भाषण में वो बेरोजगारी की बात नहीं करते, रोजगार देने की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते। 15 लाख छोड़ दीजिए, उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि भैया 15 लाख तो जुमला था। और भ्रष्टाचार में जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, हिंदुस्तान की जनता कहती है चौकीदार चोर। आजकल टेलीप्रॉम्प्टर से काम हो रहा है, आप उनका भाषण देखिए, 2 आईने लगे हुए हैं, उसमें उनकी उनका भाषण चलता है और नरेंद्र मोदी जी पढ़ के बोलते हैं। उनको जो कंट्रोलर है पीछे से कहा रखा है कि मोदी जी बेरोजगारी के बारे में मत बोलना, किसानों के बारे में मत बोलना, 15 लाख की बात करना ही मत, भ्रष्टाचार की बात मत बोलना, जनता बड़ी गुस्सा होती है क्योंकि जनता पूछती है पहले आप आए थे, आपने वायदे किए थे, अब झूठ बोल के आप चले गए थे, अब समझाइए हमें बेरोजगारी के बारे में समझाइए। तो आजकल नरेंद्र मोदी जी इन चीजों की बात नहीं करते। अब एक बात उन्होंने 15 लाख की 5 साल पहले करते थे, तो मैंने सोचा मैं पता लगाता हूं, 15 लाख नहीं दिया, मैं पता लगाता हूं कितना दिया जा सकता है। तो 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, थिंक टैंक वालों को बुलाया, उनसे पूछा देखिए एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठ बोला, हिंदुस्तान की जनता ने भरोसा किया था, नरेंद्र मोदी ने भरोसा तोड़ा, कोई पैसा नहीं आया। मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट से सवाल पूछा, मैंने कहा देखिए अगर मैं हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहूं, ओडिशा के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहूं, तो मैं कितना पैसा डाल सकता हूं? मैंने कांग्रेस पार्टी की टीम से कहा आप पता लगाइए, एक शर्त है अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं करनी, मगर आप जाइए काम कीजिए, 3-4 महीने बाद आप आइए मेरे पास आइए और मुझे कागज पे एक नंबर लिख देना, मैं नंबर चाहता हूं, लंबा भाषण नहीं सुनना चाहता, थियरी नहीं सुनना चाहता, किताब नहीं पढ़ना चाहता, मैं एक नंबर चाहता हूं आपसे, वो नंबर जो मैं हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकूं। कहते हैं राहुल जी आप जानते हैं कितने गरीब लोग हैं? मैंने कहा जानता हूं, मैंने कहा मैं जानता हूं कि उड़ीसा में लाखों गरीब लोग हैं, पूरे देश में करोड़ों गरीब हैं। तो उन्होंने कहा कितने लोगों की आप बात कर रहे हैं, कितने लोगों के बैंक अकाउंट में आप पैसा डालने की बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में 25 करोड़ लोगों के। मुझे कहते हैं ये आपने कैसे बात कर दी? मैंने कहा देखिए अनिल अंबानी को चौकीदार ने 45,000 करोड़ रुपए दिए हैं, नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए। अगर वो 15 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दे सकता है तो हम 5 करोड़ परिवारों को लाखों करोड़ रुपए दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? तो आप जाके पता लगाइए, 3-4 महीने हैं आपके पास, मगर मुझे नंबर देना। कुछ ही दिन पहले वापस आते हैं और कागज पे एक नंबर लिख देते हैं, 72,000। मैंने कहा ये 72,000 क्या, ये कितने लोगों को कितने टाइम में? मुझे कहते हैं राहुल जी हमने पूरा कैलकुलेशन कर दिया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, 72,000 रुपए एक साल में हम 5 करोड़ परिवारों को मतलब 25 करोड़ लोगों को दे सकते हैं। आप सोचिए
आप सोचिए 25 करोड़ लोगों को 72,000 रुपए, 5 करोड़ परिवारों को 72,000 रुपए, 5 साल के 3,60,000 रुपए कांग्रेस पार्टी की सरकार देने जा रही है। अब ये कहां जाएगा पैसा? सबसे पहले गरीब प्रदेशों में जाएगा, बिहार, ओडिशा, जो सबसे कमजोर प्रदेश हैं, जहां ज्यादा गरीबी है वहां ज्यादा पैसा जाएगा, ज्यादा लोगों को मिलेगा, तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। अब यहां पे बहुत सारे लोग हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो मैं पुरुषों से कहना चाहता हूं, आप मुझसे गुस्सा मत होना, मगर पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है। आप उनसे बात कर लेना, वो आपके बीच में, उनके बीच में, मैं पैसा बैंक अकाउंट में डालूंगा, 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाने वाला है। इससे गरीबों को फायदा होगा, बहुत जबरदस्त फायदा होगा। गरीबी पे ये कांग्रेस पार्टी का सर्जिकल स्ट्राइक है, धड़ाक से एक झटका मारेंगे। और ये आप मत सोचिए, जब तक आपकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, कोई भी हो हिंदुस्तान में, इस भीड़ में जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से कम है, उसके बैंक अकाउंट में सीधा 6,000 रुपए महीने का जाएगा, और हर महीने जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हर महीने जाएगा, पहली तारीख 6,000 रुपए खटाक बैंक अकाउंट पे। नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छा काम किया, बैंक अकाउंट खोल दिए,